मोल फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं जी। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से। अब यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं मोल जो है वो हमारे पास मोल्स से निकला है, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को बीच में हम जो है वो शामिल करते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन से जैसे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कुछ जो है वो हम ऐसा करेंगे कि एक बड़ी चीज लेंगे और उसमें से हम जो है डिविजन कर लेंगे। इस तरह से करते हैं कि हम छोटी चीज को, जैसे टू है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसी भी कॉम्पोनेंट के हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से जैसे हमारे पास जी यहाँ पर आ गया 18, उससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या फ्रैक्शन में आंसर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट किस्म के जो हम बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह के लेट सपोज हम यहां पर राउंड बॉटम फ्लास्क में देख रहे हैं कि हमारे पास एक येलो सा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर लेट सपोज हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है मौजूद हैं, कुछ हम इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये इस तरह के कुछ कंपोनेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ जो है वो इस कलर के कंपोनेंट अवेलेबल हैं, ठीक है, और इसी तरह से इसी के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है जी, कुछ इस तरह के हम डिफरेंट कलर जो है वो शो कर देते हैं, इस तरह के हमारे पास जो है वो कंपोनेंट जो है वो क्या है मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास लेट सपोज ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें हमारे पास जो है एक सॉल्वेंट है और हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो और मुख्तलिफ कंपोनेंट है। तो हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट हो गए जी, हम इसको लिख सकते हैं, एक हमारे पास है ए, ठीक है, एक है हमारे पास बी और एक है सी, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास तीन जो है वो कंपोनेंट्स इस सॉल्यूशन में हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो उसके हवाले से हम करेंगे कि अगर हमने मोल फ्रैक्शन, हमें नंबर ऑफ मोल्स हर एक का पता हो, यानी कि ए का भी नंबर ऑफ मोल पता हो, बी का भी नंबर ऑफ मोल पता हो, तो हम किस तरह से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, उसको डिटर्मिन करते हैं, और उसको हम किस तरह से लिखते हैं, चले हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको इस साइड पे हम करके थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं हम, यहां पर हम ले आते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, इसको हम किस तरह से निकालेंगे, ये हमारे पास ए है, ठीक है, ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारे पास बी और सी भी चूंकि दो कंपोनेंट और अवेलेबल हैं, हम क्या करते हैं उनकी भी इस तरह से हम क्या है ले आते हैं, हमारे पास क्या आएगा, इस तरह से हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी। अब टोटल कंपोनेंट जो हमारे पास ए बी और सी हैं, तीनों के तीनों हैं, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लिखना चाहें तो हम कहते हैं एन ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन बी इसी तरह से प्लस करना पड़ेगा एन सी। तो ये हमारे पास जो है इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स को हमने सम कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएंगे। तो हमने क्या बताया था शुरू में, हर एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो हम अगर ए की बात कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे जी, उसको हम इस तरह से निकालेंगे कि हमने क्या लिख दिया, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से उसके अपने नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से उसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है वो क्या आएंगे, निकल आएंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू उसको ले आए कि हमारे पास जिस तरह एन ए का तो हमने, सॉरी, कंपोनेंट ए के तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिए, अब हमने कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन को निकालना है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, स्पेस बना लेते हैं। तो हमारे पास जो है हमने इस तरह से देखा कि हमारे पास कंपोनेंट बी का जो है वो किस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं जी, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और उसके बाद हम अगर एन सी के बारे में बात, सॉरी, हम कंपोनेंट सी के बारे में बात करें, मोल फ्रैक्शन उसकी निकालना चाहें, तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, हम करेंगे एन सी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। इनको डिनोट हम किससे करते हैं जी, इसको हम डिनोट कर देते हैं एक्स ए से, मैं थोड़ा इस तरफ को लिख देती, ठीक है, यूजुअली मुझे यहां पर लिखना चाहिए था, चले हम इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए बता देते हैं, एक्स बी इसको लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स सी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो आ जाती हैं, हम जिस तरीके से इसको जो है बता सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है वो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया, अब हम क्या करते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल छोटी सी देख लेते हैं कि हमारे पास अगर एक सोल्यूशन जिस तरह से यही मौजूद है लेट सपोज, तो इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स, चूंकि हमने बात की है कि एक हमारे पास जो है वो ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, तो उसी के हवाले से हम
हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास अगर इसी तरह से सोल्यूशन बना हुआ हो तो उसमें हमारे पास एक तो ये हो वाटर मौजूद हो, शुगर हो और फिनोल हो. तो इस साइड पे हम जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है. और हम कहते हैं कि हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर जो है जो हमने कैलकुलेट किए उस सोल्यूशन के अंदर, जैसे यही हमारे पास सोल्यूशन है, वाटर भी मौजूद था हमारे पास, शुगर भी थी और फिनोल भी था. तो मोल्स ऑफ वाटर जो थे वो 2 थे, मोल्स ऑफ शुगर जो थी वो 3 थी, ठीक है, और मोल्स ऑफ फिनोल जो हमने बीच में ऐड किया था वो 5 थे. तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें तो हमारे पास किस तरह से आता है जी, इसको हम बिल्कुल उस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास एन ए हमारे पास बन गया, ये एन बी बन गया और ये एन सी बन गया, ठीक है. तो उनको प्लस जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल अमाउंट. टोटल हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं एन टी, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपनी आसानी के लिए हम रिप्रेजेंट कर दें कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने एन टी से रिप्रेजेंट कर दिया तो वो 10 बन रहे हैं, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, अगर वाटर की मोल फ्रैक्शन को हम निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन इस तरह से आएगी कि एक्स H2O हम लिखते हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम उसको क्या कर रहे हैं, जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, उसको हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है. 2 डिवाइड बाय 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आंसर आएगा 0.2. अब ऊपर भी चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, नीचे भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, मैं इनके साथ अगर मोल्स लिखती हूँ इस तरह से करके, हम लिखते हैं मोल्स और ऊपर भी लिखते हैं मोल्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, मोल्स मोल्स से कैंसिल आउट हो जाता है और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता. बेसिकली हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट ही है मोल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई इसका यूनिट यहाँ पर मौजूद नहीं है. तो ये विदाउट हमारे पास यूनिट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो है वो आंसर में आ जाता है, ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं, शुगर के अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगेन उसके अपने नंबर ऑफ मोल जो कि क्या है, 3 है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल जब हम करेंगे. यहां पर हम क्या ले आए हैं जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, ठीक है, जो कि हमने बीच में कंपोनेंट एक डाला हुआ था, सही है. हम क्या करते हैं 3 डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं. यहाँ पर हमने जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकाल लिया, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.3, ठीक है, 3 डिवाइड बाय हम जब 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3. उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनोल जब निकालते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जी 5 उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइड बाय हम 10 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, इसको हमने लिखना था, इसको हम ठीक कर लेते हैं, सही है, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हम लिखते हैं इसको 0.5, ठीक है, यहाँ पर आंसर हम लिखते हैं 0.5, सही है. 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा. तो इस तरह से ये जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शंस हमारे पास निकल आएंगे जब हमारे पास एक सोल्यूशन के अंदर वाटर मौजूद हो, शुगर मौजूद हो और फिनोल मौजूद हो, ठीक है. इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल जो है वो समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर सोल्यूशन में मौजूद है, इस तरह से हमने ले लिए हैं कि हमारे पास 2 जो है सिर्फ कंपोनेंट अवेलेबल है, एक तो बेंजीन है हमारे पास, ठीक है, और एक क्लोरोफॉर्म है. ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनको हमने दोनों को प्लस किया है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो किसके हैं जी, इसको हम ले आते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये बेंजीन का, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारे पास आ जाए, सही. और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ये किसके हैं जी, क्लोरोफॉर्म के, ठीक है, इस तरह से हम लिख देते हैं इसको 2.17 जो है हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है. इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया. दोनों को जब ऐड किया तो उसके बाद जो है हमारे पास आंसर क्या आता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, 51.27 मोल्स टोटल आ रहे हैं, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन दोनों की सेपरेटली जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स ऑफ बेंजीन जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 49.1 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से जो कि 51.27 है, तो आंसर आता है हमारे पास 0.958, ठीक है. इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, चले हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया किसका जी, बेंजीन का. अब अगेन हम यहाँ पर बात करते चलें कि हमारे पास क्या है, ऊपर भी मोल्स हैं, चूंकि मोल्स की हमने बात की, ये इसके बेंजीन के अपने नंबर ऑफ मोल्स हैं और नीचे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो अगेन हमारे पास यूनिट कुछ नहीं होगा, इसका यूनिट लेस होगा. अब क्लोरोफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है 2.17 को जो है हम डिवाइड करते हैं 51.27 से, हमारे पास आंसर आता है 0.042,
ठीक है, ये भी मोल फ्रैक्शन आ गई क्लोरोफॉर्म की। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी कंपोनेंट्स हो उनको टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम उनके ऐड कर लेते हैं, यानी कि किस तरह से हम सारे नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, और रिस्पेक्टिवली हर एक के नंबर ऑफ मोल्स को जब उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है। तो ये है मोल फ्रैक्शन।